भी स्टेट से हैं, जरूरी नहीं कि आप हरियाणा से ही हो, हरियाणा का ही डोमिसाइल हो, आप किसी भी स्टेट से हैं, आप हरियाणा में आते हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। ये भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट यहाँ पर होता है। आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, उड़ीसा से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, दिल्ली से हैं, आप आइए हरियाणा में, आपका एडमिशन बिल्कुल होगा। काउंसलिंग में फॉर्म भरा जाएगा, काउंसलिंग मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट के बाद आपको कॉलेज मिल जाएगा जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने फॉर्म भरा है। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं बीएड में, किसी भी स्टेट से हो या किसी भी स्टेट से उन्होंने कंप्लीट की है ग्रेजुएशन या मास्टर्स, अब वो चाहते हैं बीएड में एडमिशन लेना, उनके पास सवाल का एक जवाब नहीं होता कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या हम मास्टर बेस पर एडमिशन लें या हम ग्रेजुएशन बेस पर एडमिशन लें, दोनों में बेनिफिट क्या है। मतलब कि हम अगर मास्टर्स पे लेंगे, कई लोग बोलते हैं कि जो बीएड करने के बाद जो एक एंट्रेंस टेस्ट होता है वो आपको नहीं देना होता, ऐसे कई सारे सवाल हैं। बट उससे पहले का सवाल ये है कि एलिजिबिलिटी क्या होगी अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो। हालांकि एलिजिबिलिटी के ऊपर हमने पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं, बट उसमें कई सारी चीजें, क्वेश्चंस जो लोगों ने हमसे पूछे हैं, उन सभी क्वेश्चंस का और बेहतर तरीके से सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे आज अपनी इस वीडियो में कि एलिजिबिलिटी क्या है बीएड में एडमिशन लेने की। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं सभी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और बोर्ड के बारे में। कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं हमारे दूसरे चैनल यूनिवर्सिटी इंडिया पर जाकर आप देखें, और इस चैनल पर सभी कोर्सेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी जितने भी कोर्सेज इंडिया या अब्रॉड से कराए जाते हैं। दोस्तों, बीएड मतलब कि बैचलर इन एजुकेशन, आप जो बैचलर ऑफ एजुकेशन करते हो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले बड़ा ही आसान शब्दों में आप ये समझिए कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, मतलब कि यूनिवर्सिटी का यूजीसी से रिकॉग्नाइज होना जरूरी है। अगर वो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है तो वहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया हो या मास्टर्स किया हो, मतलब 3 इयर्स का कोर्स किया हो या आपने उसके बाद में 2 इयर्स जो कोर्स होता है मास्टर्स वो किया हो, दोनों पर ही आप एलिजिबल हैं। मतलब कि आपके ग्रेजुएशन में मान लीजिए 47% है, बट देखा जाए कि मास्टर्स में आपके 60% है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं कहीं से भी एडमिशन। खास करके हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आपका एडमिशन बिल्कुल हो जाएगा। कई सारी यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी अपना नियम बनाती है कि नहीं, ग्रेजुएशन में ही अगर आपके हैं 50% मार्क्स, उससे ज्यादा मार्क्स होने चाहिए तो ही हम एडमिशन लेंगे, हम मास्टर्स को नहीं मानते हैं, ऐसा भी होता है। बट हरियाणा में ऐसा नहीं है, आपके पास अगर ग्रेजुएशन या मास्टर्स दोनों में से किसी में भी 50% प्लस आपके मार्क्स हैं तो आपके एडमिशन बिल्कुल हो जाएगा। सबसे बड़ा तो क्वेश्चन यही था हमारे सामने जो लगातार पूछा जा रहा था। साथ में ही आपने मान लीजिए एडमिशन आपको लेना है तो सर सब्जेक्ट क्या होंगे, क्या क्या सब्जेक्ट में हम बीएड कर सकते हैं। दोस्तों, बीएड करने के लिए मैक्सिमम स्टूडेंट जो चूज करते हैं वो हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज लेते हैं और सोशल स्टडीज को ले लेते हैं, अपनी बीएड को कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में अप्लाई करते हैं जहां भी उन्हें अप्लाई करना होता है। पर आपकी अगर कोई च्वाइस है, मतलब मान लीजिए कॉमर्स से आप आए हैं, चॉइस आपकी अलग होगी, साइंस पास आउट किया है चॉइस अलग होगी, बीटेक करके आ रहे हो चॉइस आपकी बिल्कुल अलग है, आप आ रहे हो आर्ट्स करके चॉइस अलग होगी, तो डिपेंड करता है कौन सब्जेक्ट आप लेंगे। बट हाँ, इसमें आपकी कॉलेज मदद जरूर करेगा, आप कॉलेज से पूछिए कि हम क्या सब्जेक्ट चूज करें, वो आपकी उससे मदद जरूर करेगा। एलिजिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि दोस्तों आप सिर्फ एलिजिबल हैं एडमिशन ले लिया, बट जिस सब्जेक्ट में आप करना चाहते हैं उसमें आपको बीएड ही ना मिले तो बेकार है आपका बीएड करना, क्योंकि आप पर डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट को आगे जाके पढ़ाने वाले हैं। साथ में देखा जाए, चाहे तो आपने ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम किया हो या इंग्लिश मीडियम किया हो, मास्टर्स हिंदी मीडियम किया हो इंग्लिश मीडियम किया हो, फिर भी आप एडमिशन ले सकते हैं हरियाणा में, हरियाणा से बीएड में आपका एडमिशन बिल्कुल हो जाएगा, इसके ऊपर सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साथ में ही आप किसी भी स्टेट से हैं, जरूरी नहीं कि आप हरियाणा से ही हो, हरियाणा का ही डोमिसाइल हो, आप किसी भी स्टेट से हैं, आप हरियाणा में आते हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। यह भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट यहां पर होता है। आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, उड़ीसा से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, दिल्ली से हैं, आप आइए हरियाणा में, आपका एडमिशन बिल्कुल होगा। काउंसलिंग में फॉर्म भरा जाएगा, काउंसलिंग मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट के बाद आपको कॉलेज मिल जाएगा जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने फॉर्म भरा है, चाहे वो सीआरएससी हो, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जो जींद में है, एमडीयू से फॉर्म भरा हो, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो कि रोहतक में है, डी क्रश से भरा हो, कुरुक्षेत्र से भरा हो, जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, कहीं से भी आपने एडमिशन में अगर आपने फॉर्म फिल किया है काउंसलिंग में, आपका एडमिशन हो जाएगा।
जाएगा, चाहे आप किसी भी स्टेट के हैं आप एडमिशन बिल्कुल ले सकते हैं। अगली बात आती है कि आप मीडियम क्या चूज करेंगे, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। हरियाणा में बीएड करने के लिए दोनों मीडियम अवेलेबल है, चाहे आप हिंदी मीडियम लीजिए चाहे आप इंग्लिश मीडियम लीजिए, आपका आसानी से एडमिशन हो जाएगा। प्रॉब्लम ऐसी आपके सामने खड़ी नहीं होगी, मतलब आप हिंदी मीडियम पास करके आ रहे हैं तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे या इंग्लिश मीडियम करके आ रहे हैं तो एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। आप दोनों तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, बट हाँ, आपका जो एडमिशन होगा वो होगा काउंसलिंग के थ्रू ही। काउंसलिंग होगी कभी कभी, लास्ट ईयर तो ऐसा हुआ था कि सभी कॉलेजेस को खुद ही अप्रूवल मिल गया था कि आप अपने अकॉर्डिंग लिस्ट बनाकर भेजे जो आपके एडमिशन से, उनका एडमिशन कर दिया जाएगा कोविड की वजह से। अभी भी इस साल भी ऐसा हो सकता है, बट ऑनलाइन काउंसलिंग आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ऑनलाइन आप फॉर्म फिल जरूर कर पाएंगे और डायरेक्ट एडमिशन भी ये हो सकता है। एलिजिबिलिटी ये भी है कि आपको जरूरी नहीं कोई एंट्रेंस देके आना होगा, आप सीधा आइए डायरेक्ट एडमिशन लीजिए, आप उसके लिए बिल्कुल एलिजिबल है, कोई एंट्रेंस का सिस्टम नहीं है। और भी कई सारी चीजें हैं जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, पर अगर देखा जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दो तीन चीजें ही आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि 50% मार्क्स का होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये, जो ग्रेजुएशन या मास्टर्स किया किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया हो, ऐसा ना हो कि कोई यूनिवर्सिटी पे केस चल रहा हो या कोई यूनिवर्सिटी को यूजीसी का अप्रूवल मान्यता ही रद्द हो गई हो, आपने वहाँ से डॉक्यूमेंट ले लिए, वो डॉक्यूमेंट नहीं चलेंगे। माइग्रेशन आपके पास आपका होना चाहिए या फिर टाइम रहते आप उसको सबमिट जरूर करा दें। इन चीज़ों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको MDU या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी जो हरियाणा में चलती है, चाहे वो CRSE हो, आपको समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। कोई भी किसी भी तरह के सवाल हैं, डाउट्स हैं, या आप एडमिशन में असिस्टेंस चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन से कॉलेज अच्छे हैं, आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे और आपको बताएंगे सब कुछ। जो भी कोई डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे। दोस्तों, अच्छा लगा हमारा वीडियो, हमारे वीडियो को ज़्यादा शेयर करें दोस्तों परिजन परिवार में, ताकि वो भी जान सके क्या कुछ चल रहा है एजुकेशन की दुनिया में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर तरह के एजुकेशन से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। हमारी वीडियो जरूर लाइक करें, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।